अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फ़हद बख्सूसी। यकीन जानिए, कल तक भी मैं लाइव नहीं आना चाह रहा था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हैदराबाद में दो ऐसे बैंगन हैं जिनके, यानी अभी मेरे को कोई साहब बोले कि रे भाई ये क्या तरीका है लोगों को, मैं पहले तो वीडियो के अंदर जो है ना लोगों को वोट के लिए अवेयर कर रहे हैं कि भाई जाके वोट डालो। बहुत अच्छी बात है कि आप अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहे हैं कि भाई लोग जाके वोट डालना चाहिए, लेकिन क्या तरीक़ा है रे भाई, क्या तरीक़ा है ये? अरे यकीन मानो, तुमको जो है ना तुम्हारी खबर भी माफ़ नहीं करेंगी इस तरीके से तुम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी खबर भी माफ़ नहीं करेंगे। अरे डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगो, हमको जो है ना क्या बुनियादी सहूलतें दी जाएंगी उसकी बुनियाद पर वोट मांगो। लोगों को डराया जा रहा, बाज़ाब्ता जो दो बैंगन है हैदराबाद में, समझ जाओ आप कौन है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये जो तरीका है, मैं समझता था कि सिर्फ रोड के ऊपर जो माउस बेचने वाले हैं बेचारे, यानी उनको जज्बाती बातों से, जज्बाती तकरीरों से सिर्फ उनको अट्रैक्ट किया जाए करते होंगे शायद, समझता था। लेकिन हमारे हैदराबाद में कुछ बड़े पढ़े लिखे जाहिल भी है भाई, वो जाहिल कोई और नहीं, दो बैगना बहरहाल क्या कर रहे हैं, वीडियो बना के बोल रहे हैं कि उठो बेटा उठो, चलो 8 बज रहे हैं, वोट डालने जाना है। तो उन्हें उठ के हाँ बाबा क्या हुआ, बल्कि बोलते क्यों, क्या ज़रूरी है, बोलते उन्हें समझा रहे हैं बहरहाल। अरे वोट कहीं को डालना है, वोट इसलिए डालना है कि 86 में दंगे हुए थे, 2002 में दंगे हुए थे, बाबरी मस्जिद को शहीद करे थे, ये हुआ था वो हुआ था, ये बुनियाद पे ना वोट डालने के लिए जा रहे हैं एक खसूसी पार्टी को। देखो वहाँ पे ऐसे हालात है हिंदुस्तान भर में, हमारे पास हम क्यों महफूज है कि भाई ये खसूस पार्टी जो है ना, इनकी वजह से, इनके जो लीडरान हैं इनकी वजह से हम महफूज है, बोल के वोट डालने जाना है। कहते अरे बेवकूफ हो, क्यों इतना गुमराह कर रहे हैं भाई गरीबों को, मिस्किनों को, नासमझों को क्यों गुमराह कर रहे हैं आखिर तुम लोग? यकीन मानो तुमको तुम्हारी खबर माफ़ नहीं करेंगी इस तरह से तुम लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। जब तक अल्लाह नहीं चाहता उस कौम के ऊपर किसी किस्म का जुल्म नहीं होता, तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अगर हिंदुस्तान के कोने में हो, किसी भी कोने में हो, या दुनिया के किसी भी कोने में अगर मुसलमान हो या किसी भी कौम के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है, तो अल्लाह की तरफ से उसकी आजमाइश है। और आप बोल रहे हैं कि भाई हैदराबाद में आज हम महफूज हैं तो उनकी वजह से है, कहते वो उनके खसूस पार्टी के खसूस चंद लीडरों की वजह से है, कहते अरे कैसी बात है यारो। तो बहरहाल बाबरी मस्जिद का किस्सा बता के उन्होंने, अरे बाबरी मस्जिद के नाम पे 6 दिसंबर के नाम पे आखिर कितना मांगेंगे भाई? बहुत अच्छी बात है आप उसके लिए एहतजाज कर रहे हैं या तो फिर उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको अपना मेन यानी एजेंडा बना के या उसका प्रोपेगेंडा करके आप वोट नहीं मांग सकते। आप इतने साल से, जितने भी साल से आप इख्तदार में हैं, आप गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, यसीरों के लिए, आप इन तमाम लोगों के लिए क्या अच्छा करें उसकी बुनियाद पर वोट मांगो बाबा। आप जो इसे डरा डरा के आखिर जो है ना, आपके जो लीडरान हैं उन्हों बीजेपी से डराते, आरएसएस से डराते, आप कुछ भी नहीं मिला तो बोल रहे हैं हैदराबाद का जो है ना हैदर को अगर आप जो है महफूज रखना है, अगर उसको कायम रखना है तो उसके ऊपर वोट, क्योंकि हर तरीके से हर जो उनका पैंतरा था वो उन्होंने क्या बोलते हैं आप ट्राई कर लिए, उसके ऊपर वोट नहीं देना चाह रही पब्लिक। अब उसके ऊपर वोट नहीं देना चाह रही तो अब नया निकाले, योगी आदित्यनाथ आया बेचारा, अल्लाह उसको जो है ना, अल्लाह हिदायत दे उसको, अल्लाह उसको सही हमारा इस्लाम क्या है वो समझाने की, उसको जो है ना समझ में आने की अल्लाह तौफीक दे, उन्हें आके बड़े बातें, दीवाने निशाने बातें करके चले गए। अरे क्या बोलो ना, हमारे क्या नाम है उन्होंने सलीम फेकू बोलते, देखो क्या मल्लप्पा की खीर है, हैदराबाद का नाम यूँ चेंज हुआ था। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा नहीं होता। उसके लिए ये अच्छी चीज़ है कि भाई इंसान को यानी जद्दोजहद करते रहना, वैसा भी नहीं है कि भाई आदमी बैठी जगह जो है ना अल्लाह खिलाता बोल के, हाँ बल्कि मुंह खोल के बैठा तो अल्लाह डालने वाला नहीं है। उसके लिए जद्दोजहद ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है आप जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उसको अपना मेन यानी क्या एक मुद्दा मत बना दो भाई। आप जो है ना आप खाली चीज़ों से डरा डरा के कब तक वोट मांगेंगे? आज एक ओल्ड सिटी का दौरा लगाओ या तेलंगाना का दौरा लगाओ, न्यू सिटी और ओल्ड सिटी का दौरा लगा के देख लो कितना फ़र्क है। नॉन मुस्लिम्स के एरिया में जाके देखो और मुस्लिम्स के एरियाज में जाके देखो, हमारे एरियों में पानियाँ बहते हुए, हमारे एरियों में जैसे क्या बोलते हैं कोई रोड सही नहीं, कोई बल्दिया के हिसाब से प्लान करे हुए कोई रोड़ा नहीं, घरों को देख लो आप, कोई घर जो है ना बल्दिया के प्लान के हिसाब से नहीं। वही आप जो है सो नॉन मुस्लिम के कॉलोनीज़ में जाओ, कितने बेहतरीन कॉलोनीज़ हैं, उनके घरों तक पानी, कितनी भी कैसे भी ऊंचाई पे रहने दो, कितने भी पहाड़ी इलाके में रहने दो, कैसे भी इलाके में रहने दो, उनके घरों तक पानी आता है, उनके घरों तक ड्रेनेज की लाइनें, हर चीज़ की सहूलत आज नॉन मुस्लिम्स के एरियाज़ में, और उसके बावजूद आप इतने सालों से इख्तदार में रहने के बावजूद आज आप वोट मांगते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बुनियाद पर, उन लोगों से डराते हैं जिनके खिलाफ़ आप खुद इलेक्शन लड़ने से डरते हैं। जैसे कि अंबरपेट में आप
मालूम है किसका किसका एमएलए बीजेपी का, आप उसके खिलाफ़ बोलते हो, उसके खिलाफ आप लड़ते नहीं, लेकिन आप जो है सो गोशा महल में जाके नहीं लड़ते, आप जो है ना जहाँ पे बीजेपी का एमएलए वहाँ पे लड़ने की तो आपकी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो जगहों से लड़ेंगे जहाँ से आपकी सीट महफूज है और वहाँ पर आपको मालूम है कि बीजेपी का कोई आने का चांस ही नहीं है। तो ये दोहरी पॉलिटिक्स, ये दोहरे चले, ये डोले चाले मत करो भाई। ये जो है ना आप जो दो बैगनों को ले लिए, वो बैगन दीवाने शाने वीडियो बना ले रहे हैं बेचारों को, पहले तो मैं समझता हूँ कि क्या बोल लेते हैं उनको ही मालूम, मैं तो खैर फॉलो भी नहीं करता, लेकिन एक साहब मेरे को बाजाबता लिंक भेजे, अरे भाई ये क्या तरीका है, ये डरा रहे हैं बाजाबता डरा रहे हैं। ये 86 में दंगा हुआ करते, 2002 में दंगा हुआ करते, 92 में बाबरी मस्जिद तोड़े करते, अरे भाई ये सब डरा के कहीं को पूछ रहे हैं यारो। ये बताओ कि भाई दिल्ली के अंदर देखो, दिल्ली आज अल्लाह मियां हमको एक एग्जाम्पल सेट करके दिया कि दिल्ली के अंदर कितने अच्छे स्कूल्स हैं आज, वैसे स्टैंडर्ड के हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होने चाहिए, वैसे स्टैंडर्ड के हमारे पास काम होना चाहिए। 1500 रुपये क्या बोलते हैं आप, 150 करोड़ में जो ब्रिज सैंक्शन होता था उन्हें 50 करोड़ में करके दे दे रहे हैं, तो इतना पैसा बचा रहे हैं, कैसा बच रहा है, ये सब चीज़ों के ऊपर जो है ना आप काम करो, ये सब चीज़ें बता के काम करो। आज जो है सो आपकी मिल्कियतें, आपके पर्सनल एसेट्स बनते जा रहे हैं, हजारों करोड़ के आप मालिक होते जा रहे हैं हजार। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं महीना 5 लाख रुपये लीगल या इलीगल, हलाल या हराम किसी भी तरीके से कमा रहा हूँ वो आपको नहीं मालूम, ठीक है, होंगे शायद मैं हराम ही कमा रहा या हलाल भी कमा रहा, लेकिन मैं 5 लाख रुपये कमा रहा, और उसके बदले में मैं क्या कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए जो है ना जिससे कमा रहा हूँ उन कुछ पलटा के उनमें से एक 50 रुपये जो है महीना मदद कर दे रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक 50 रुपये का मैं इनके घर में राशन दला दे रहा हूँ। तो बोलो मैं 5 लाख रुपए उनका जो है सो उनका खून चूसे जैसा चूस लेके 50 रुपये की मदद कर दिया, तो क्या ये अच्छी बात है? आज जो है सो बता रहे हैं कि हम ये चला रहे हैं, हम वो चला रहे हैं, अरे समझो भाई, ये जो है ना रातों रात हज़ारों करोड़ के मालिक कैसा हो गए ये समझो, ये जो है ना ये सियासत को समझो। आज हम बोलने बैठे तो हमको बुरा बोलते, उनके भक्त है गाली देते। खैर मैं, मेरे को अच्छा भी नहीं दिखता, यकीन मानिए मेरे को किसी को ऐसा कुछ बुरा बोलना या भक्त बोलना अच्छा भी नहीं दिखता, अल्लाह बस उनको हिदायत दे भाई। आप मैं बोल रहा ना, अल्लाह आपकी आपका इख्तदार, अल्लाह आपका इख्तदार ता क़यामत रखे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप आवाम के हक़ में अच्छा कर रहे हैं तो ही ता क़यामत तक रखे, लेकिन आप इख्तदार में आके जो है ना आप अपनी ही ज़ाती मिल्कियतें बनाते जा रहे हैं, बेचारा गरीब गरीब होते जा रहा, बंडी वाला बंडी पे ही रहेगा, और जो है ना आए दिन हमारे पास जो सब बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, बच्चियाँ सुसाइड कर ले रहे हैं, हमारे जो है ना शादियाँ नहीं हो रही, बच्चों के मर्डर हो जा रहे हैं। देखो हैदराबाद कितना बुरा हो गया, देखो पिछले एक महीने के अंदर 2-3 मर्डर खुलेआम रोड के ऊपर हो गए, 3-4 मर्डर हो गए मैं समझता हूँ। अत्तापुर में एक पिलर नंबर कौन से की पिलर के पास हो गया, फिर कल एक बच्चे का हो गया, तो 2-3 दिन पहले एक हफ्ते पहले एक बच्चे का हो गया, 2 ऑटो वाले मार लिए। तो क्या हो गया ये हमारे माशरे को, क्या हो जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप, इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दियो भाई, ये क्यों हो रहा है उसके ऊपर तवज्जो दियो। हमारे माशरे के अंदर जो ड्रग्स है, जो शराब है, जो नशे की चीज़ें हैं उसको कम करो, बेरोज़गारी को कम करो, सूदखोरी को कम करो, गुंडाइज़म को कम करो और गरीबी को कम करो। अरे उसके ऊपर तवज्जो नहीं देखे जो ना आप जैसे 7 सीट रख के चीफ मिनिस्टर बनते कहते, कोई बात है कहाँ से बनते 7 सीट, एक तो 19 सीटों का जो है हमारा असेंबली फॉर्म होती जो है ना पूरी असेंबली के अंदर बैठने के लिए 119, चलो कम से कम 66 आपको 62 आपको सीट्स चाहिए, 60+ सीट्स चाहिए आपको, आप 60+ सीट्स रहे तो आप चीफ मिनिस्टर बन सकते, 7 सीट पर कहते ना चीफ मिनिस्टर बन जाते कहते, कहाँ से बनते चीफ मिनिस्टर, बातें देखे तो आसमान को छीते। अरे भाई मत करो भाई, यकीन मानो बदवा भी देना दिल ने बोलता, आप हमारे खैर आप मोमिन भाई है बोल के नहीं, गैर मोमिन भी अगर रहता तो बदवा किसी को देना दिल ने बोलता, लेकिन ऐसे हरकतें मत करो भाई, ज़िंदगी 1000-2000 साल की नहीं है, यकीन मानो हैदराबाद के पोल्यूशन को तो मद्देनज़र रखते हुए हमारी ज़िंदगी बमुश्किल 60 साल की है, 60 साल जीने के बाद से कितना लूटेंगे भाई, कितना लूटेंगे आखिर। मैं अब इससे पहले भी मैं कहीं जिक्र किया था इस बात का, कोई भी माँ बाप, दुनिया का कोई भी माँ बाप हो, चाहे हमारे वालिदैन हो, चाहे हम अपने बच्चों के लिए, यानी कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चों के लिए कमाते, अरे यारो बच्चों के लिए इतना भी मत कमाओ कि वो उनके लिए जो है ना उनके क्या बोलते हैं अब उनका अजाब का सबब बन जाए, बच्चों को ट्रेन करो। जैसे कि मैं बोला था इससे पहले कि भाई जंगल के अंदर जो शेर रहता, सॉरी सर्कस के अंदर जो शेर रहता उसको अगर आप ले जाके जंगल में छोड़ देंगे तो उन्हें 2 दिन के अंदर मर जाता, क्यों, उसको शिकार करना नहीं आता, उसको जो है सो सर्कस के अंदर काटते, जानवर काटते ले जाके उसके सामने डालते, यानी उसको खाना अपने हाथों से जो क्या बोलते आप देख रेख करने वाला रखवाली करने वाला रहता उसको अपने हाथों से डाल के खिलाता, तो उसको अगर ले जाके उसको जंगल में छोड़ेंगे तो उन्हें कहाँ से शिकार कर सकता। तो आज आपके पास ये मिल्कियत है, खुदा ना खास्ता कल किसी किन्हीं भी वजूहत के चलते आपके पास वो मिल्कियत नहीं रहेंगी, तो बच्चे रोड पे आए थे फाखे हो जाते, भूखे मर जाते, बच्चों को ट्रेन करो, बच्चों को कैसा अपना रोज़गार चलाना उस पर ट्रेन करो। आप ये मत करो कि भाई आप हराम की दौलत बना के ऐसा करके वैसा करके आप बना के देंगे, कहीं का नहीं रहेंगे वो। खैर बहरहाल
आप, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को बड़ी तकलीफ हुई जिस तरीके से वो दो बैंगना वीडियो बनाए भाई, डरा रहे हैं बाजाबता, सीधा सीधा डरा रहे हैं बेचारों को, गरीबों को, जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आप डराएंगे इंशाल्लाह उतना उनके दिलों से डर ख़त्म होएगा। जज़ाकअल्लाह खैर वा। और एक बात ख़त्म करने से पहले, प्लीज़ 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 अपने जो है ना, हर एक नौजवान जो मेरी ये वीडियो देख रहा है या देख चुका है देखेगा, उन लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप जाके अपना एक ही वोट डालिए। अपने घर के आसपास जितने भी लोग हैं जिनको जाने की सहूलत नहीं है, अल्लाह के वास्ते बोल के, सिर्फ वो एक दिन अल्लाह के लिए बोल के उनको उठाइए, घरों से उठा के लिख जाके अपनी सहूलत के ज़रिए उनको वोट डलवा के लेके आइए। उनकी मर्ज़ी का वोट डालने दियो, उन किसी को भी डालने दियो, लेकिन प्लीज़ पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। जज़ाकअल्लाह खैर वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।